RSS chief Mohan Bhagwat on Tuesday lauded the army for carrying out surgical strikes across the LOC, saying it has enhanced India's prestige in the world. The unrest in Kashmir, tension on the border and the issue of cow protection, which has brought the BJP much flak, was the focus of the annual Dashera address of the RSS chief, who vowed to root out social discrimination. भेद है अपने जाति भाषा पंथ संप्रदाय को लेकर अहंकार युक्त वर्तन करने की एक बात चलती है और उसके चलते कभी कभी जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं भी घटती है। वास्तव में एक ही समाज के किसी बंधु को वो किसी विशिष्ट वर्ग का है, जाति का है, इसलिए अपने जाति वर्ण का अहंकार रखने वाले लोगों के द्वारा अपमान और प्रताड़ना सहन करनी पड़े, ये आज के हम भारतीयों को शोभा न देने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। देश के लिए भारत के लोग एक हो रहे हो, एक न हो, उससे हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। वो शक्तियां ऐसी है जिसमें उनको जो करना है वो करेगी। हमको अपने समाज को इतना सजग बनाना पड़ेगा कि वो इस छल कपट के चंगुल में न फंसे, और इतना दृढ़ता पूर्वक उसको एक बनाना होगा कि उसमें इस प्रकार के भेद न रहे लाभ लेने के। जो लोग कुछ उपद्रव करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, उनके साथ गौरक्षा करने वालों की तुलना हो नहीं सकती, उन दोनों को अलग करके देखना चाहिए। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान सहित सारा कश्मीर भारत का है। और हम सब जानते हैं कि कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको जानती है। और उनको अच्छा जवाब भी हमारे शासन ने दिया। प्रास्ताविक में महानगर संघ चालक जी ने अभिनंदन किया, मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत के सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होगी।